हेलो भाई, मैं अरुण पवार। भाई मेरे को एक चलते चलते अभी मैं अपनी किया में ढोल रहा था, एक गाड़ी दिखी भाई, बहुत तगड़ी लग रही है भाई। क्रेटा रियल्टी में जब आ जाती थी ना तब लगती थी वेन्यू की कॉपी कॉपी सी बड़ी बड़ी सी, बट अभी जो इसकी लुक आ रही है ना ब्लैक कलर में निकल के, भाई इस गाड़ी ने ना मतलब ये लगा लो सेल्टोस की तो खाट खड़ी कर दी, बिल्कुल कोई खरीद ही नहीं रहा है उसको भाई। मतलब इनका देखो बेस मॉडल है ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ से पहचान पाया। तो भाई इसमें क्या है ना, बेस मॉडल सही है, ब्लैक कलर सारे कलर देते हैं, लेकिन भाई सेल्टोस वाले केवल व्हाइट जी दे रहे थे, अब इन्होंने भी देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो एक क्रेटा लग रही है ब्लैक कलर में भाई, किस भाई के भाई आप लोगों की, आप भाई आप किए क्या, सुनाओ भाई साहब कैसे हो, बढ़िया भाई, बढ़िया। कितने खरीद ली भाई ये? भाई ये 14 साल की पड़ी थी हमें। डीजल है? डीजल है। कहाँ से हो भाई आप? हम ग्रेटर नोएडा जेवर से हैं भाई। 14,60,000 रुपए तो आपने हुंडई को दिए होंगे, पर 14,60 में कनेक्टिंग लाइट वगैरह ये सब मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। कुछ भी नहीं था ये, बिल्कुल बेस मॉडल में कुछ भी नहीं था इसमें। भाई कौन है फिर ऐसा जिसने इतनी तगड़ी बना दी देखने में, मतलब जब दूर से ही देख रहे थे ना हम जैसे वहां से आ रहे थे, बहुत तगड़ी लग रही थी खड़ी खड़ी गाड़ी। तो कहाँ किससे बनवाई भाई ये? भैया है। कौन से भाई? अरे भाई आप तो जान पहचानी से लग रहे हो यार। अरे भाई हाँ भाई, कौन हो? मैं सकल तो आपकी याद आ रही है, नाम वाम नहीं आ रहा यार। ग्रेटा किंग। नाम क्या है? निक्कू। निक्कू का डेकोर। बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हो भाई आप? ये आपका ये सेंट्रल व्यू? नहीं यार, अरुण भाई का है। तो करोल बाग में दुकान है आपकी शायद, है ना? मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। अच्छा। तो भैया ये क्रेटा आपने तैयार करी है मेरे ख्याल से, आपने बनाई है पूरी? बिल्कुल, ई मॉडल था भाई। ई मॉडल है ये? पक्का? लग नहीं रहा यार ये मॉडल कहीं से भी भाई। सनरूफ? सनरूफ नहीं है ना इसमें। अच्छा, मैं कह रहा सनरूफ भी डाल दी क्या भाई? नहीं नहीं। अच्छा भाई मेरे को एक बात बताओ, जैसे पहले सबसे पहले ये करते हैं, 14,60,000 सारे भाई हुंडई वालों को देखे आए हैं, ऐसी कुछ डिलीवरी लगे भाई। कितने दिन पहले डिलीवरी ली थी? 10 दिन। आपने बहुत टाइम ले लिया भाई फिर मॉडिफाई करवाने में इसको यार। अच्छा, शादी थी घर में? अच्छा, नहीं तो लोग बाग तो भाई लेती मेरे ख्याल से रिबन लगे और घर भी पूजा नहीं करवाते नहीं। आपके पास आ जाते हैं ना। हाँ। तो भाई निक्कू भाई, जैसे 14,60,000 तो इन्होंने दे दिए, अगर इस तरीके की हाईली मॉडिफाई करवानी हो जिसको हम जैसे बंदे देख के हो कहें, तो क्या कुछ खर्चा मान लो भाई एक्सटीरियर से, जैसे लाइट फाइट और ये अलोए फलोए का सारा काम करो तो कम से कम 2.5 लाख रुपए सारा काम मिला के जो इस गाड़ी में हो रखा है। तो भाई देखो जिन भाई जो भी भाई बेस मॉडल ले रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए का एक बजट लेके चले। अगर आपको परफेक्ट गाड़ी बनवानी है एकदम एक नंबर, अब उस परफेक्शन में क्या क्या आएगा उसके बारे में हम निक्कू का डेकोर भाई से जान लेते हैं। लगाना पड़ता है क्योंकि जो इसमें जो है ना पहले 12 बोल्ट से चलता नहीं, 6 बोल्ट से DRL चलता है। ठीक है, तो वायरिंग भी प्रॉपर करना पड़ता है, इसका फ्रेम भी लगाना पड़ता है, फिर जाके DRL लगती है। ठीक है, इसके अलावा ग्रिल देखोगे हम पियानो पेंट वाला दिए हुए, ओरिजिनल नहीं है ग्रिल। ओरिजिनल ग्रिल आई नहीं है, आ गया हुआ है। हाँ अपने पास स्टॉक में है, भैया का निर्णय था कि नहीं मेरे को पियानो वाला दे दो क्योंकि सेम लुक आता है, टॉप मॉडल वाला लो उसका लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले पैसा बचा दो इसमें। हाँ। और ये लगा दो पेंट वाला पीस लगा दो। तो ये पेंट वाला पीस है, जेनमैन चाहिए तो जेनमैन स्टॉक में है, DRL स्टॉक में है, DRL चाहिए तो DRL भी मिल जाएगा। पर भाई एक चीज बहुत अच्छी करी हुंडई ने, पहले जो बेस मॉडल हुआ करता था उसमें क्रोम आता था, इस बार पियानो कर दिया तो उसमें खर्चा बच जाता है कहीं ना कहीं कस्टमर का। नहीं आता मैटी है, पियानो वाला हमें करना पड़ता है। भाई तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सही पड़ जाता है ना वो वाला ऑप्शन, आप आराम से कर सकते हो। तो भाई क्या कुछ कॉस्टिंग आती है इसको पियानो करवाने में? पियानो का 3500। और इसको DRL वगैरह की कॉस्टिंग वगैरह क्या बैठती है? 100 रुपए का DRL आता है। तो क्या क्या चेंज होता है DRL में अगर हम बात करते हैं? DRL में तो देखो DRL होता है, इसकी वायरिंग लगती है ना, इसके बाद जो बोनट खोलते हैं उसका प्लेट आता है, वो प्लास्टिक का वो लगता है। तो इसमें टोटल ओवरऑल खर्चा क्या आता है? DRL 5500 का है, फ्रेम अलग है, वायरिंग इसका अलग है। लेते हो तो टॉप मॉडल वाला ग्रिल की MRP वही 15,500 का आता है जो ओरिजिनल होता है। ठीक है, पेंट करवाते हो तो 3500 रुपए का खर्चा आता है। अच्छा, ओरिजिनल 15,500 की, मेरे ख्याल से पहले वाले से महंगी हो गई। पंद्रह 500 का पुराना वाला मॉडल का भी था। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे हमने LED डाली है, कौन सी कंपनी की LED डाल दी भाई इसके अंदर? BSC का। क्या कुछ कॉस्टिंग वगैरह बैठती है, कितने वोट वगैरह के बारे में बताइए? 180 वाट का होता है, प्रॉपर 180 वाट होगा, यानी कि फेक LED की तरह 200 वाट वही बॉक्स में तो कुछ और लिखे रखते हैं। हाँ, वो सब फेक होता है वाट। हाँ। इसमें एक्चुअल वाट है, 180 वाट का है, ESC ब्रांड का LED लगा, तो 75 का पेयर है इसका। 700 रुपीज का? 7500 का पेयर है, पेयर है, मतलब दो LED है, नई वाली कहते हैं, दो सेटअप लगता है, एक हाई भी मैक लो भी। हाँ। अगर इसके अलावा सस्ता LED चाहिए तो 2000 से स्टार्टिंग हो जाता है। 15,000 रुपए का सेटअप डलेगा, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब नहीं है, DST के लगाएंगे तब 15,000 का लगेगा। हाँ। अदरवाइज मार्केट वाला खोजते हैं तो 2000, 2500, 3000 का भी लग जाता है। ओके भाई। हाँ। ओके आओ भाई, मेन तो साइड से ये मेन लुक आती है भाई क्रेटा की निकल के, कोई बंदा इसको साइड से कह ही नहीं सकता, किसी में दम ही नहीं है कि भाई ये बेस मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर लग चुके हैं टॉप से भी ऊपर वाले अलॉय व्हील्स। भाई ये मत सोचना कि SX लाके हम आवाज ही कर रहे हैं, SX ऑप्शनल, उसमें भी भाई ऐसे अलॉय व्हील नहीं आते हैं, उसके अंदर भी 17 इंच के आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारे निक्कू भाई ने डाले हैं वो है यहाँ पे 18 इंच का, ये मतलब देखने में पता चल रहा है भाई 18 इंच के ये पूरा है। और मैं आपको टायर साइज बताऊँ,
तो कहाँ है ये रहा 215-55-18 की पूरी प्रोफाइल डली है इसके अंदर। तो भाई साहब ये कौन से अलॉय व्हील है यार, है कंपनी की? हाँ। है तो कंपनी की, तो कौन से हैं ये? L9 क्रेटा का, जो क्रेटा L9 आई है नई। हाँ। वाली जिसको ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे हैं। हाँ। क्योंकि 25-26 लाख रुपए तो कौन है उस पर स्पेंड करे। तो आपके पास L9 का अलॉय व्हील अवेलेबल है? तो भाई मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये जो क्रेटा के अलॉय व्हील है ना, जो टॉप मॉडल के, वो इतने अच्छे नहीं लगते 17 इंच के। इस बार वाले पहले वाले अच्छे थे डायमंड कट, बट ये वाले भाई एक नंबर लग रहे हैं। क्या कॉस्टिंग है भाई इनकी? का खड़ी हुई है भाई, देख लो भाई रोज का भाई का यही सिस्टम चलता रहता है, मतलब हर तरीके से एक्सपर्ट है। वो नहीं डाले विंडो क्रोम, ये डोर हैंडल रखना था, सही है वैसे ही बढ़िया लग रही है भाई। और यहाँ पे भाई इसमें बेस मॉडल से कनेक्टेड तो ये आता ही है, लेकिन इसमें भाई LED का भी ऑप्शन है। अगर मैट्रिक्स में आ जाता है, इसके बाद जो लाइनिंग देखते हो बल्ब होता है LED में आ जाता है, थोड़ा लगता है कि उसका जो चौड़ाई बढ़ जाता है, लगता है लुक उसका है। ओके, तगड़ी निकल के आ जाती है। और भाई इसके अंदर जो ये मुझे एक डाउट है यार, जैसे सेल्टोस में ना, जैसे पार्सल ट्रे वगैरह के लिए ये नहीं आता, ये पक्का सा चेंज करना पड़ता है। क्रेटा में भी वही सीन है क्या? क्रेटा में कंपनी लगा के देती है बेस मॉडल से, बेस मॉडल से ये अच्छी सिर्फ हमें पार्सल ट्रे लगाना होता है। और कितने क्या कॉस्टिंग भाई पार्सल ट्रे की? पार्सल ट्रे देखो क्रेटा के लिए ना, दो पार्सल ट्रे आता है, एक तो आता है कि सेम आप देखोगे ना, तो इस बार का क्रेटा में ग्रे कर दिया है, ग्रे वाला पार्सल ट्रे लेते हो तो इसकी 38 MRP है, इसकी 3800। हाँ, हाँ। जो पुराने वाला लेते हैं उसकी 2300 MRP है, जिसपे हम 28% डिस्काउंट देते हैं। अब 28 हो गया, 28 हो गया भाई, 18 फिर 20 फिर 25 अब 28 पे जाके गाड़ी रुक रही है। चलो भाई ये तो काफी गुड हो गया। और इसके अलावा जो म्यूजिक के काम देखोगे ना, जैसे इसमें डिक्की में देखोगे जैसे स्पेस नहीं कोई गिर रहा है। हाँ। जैसे आप गाड़ी में लगाते हैं सेम। वाह भाई ये तो कोई चीज ही पड़ी है भाई, ये तो बहुत, मुझे मैं खुद इतना इंप्रेस्ड हूँ इससे कि मैं अभी निकू भाई से अपनी इस वाली सेल्टोस में भी लगवाने के लिए जल्दी पहुंच रहा हूँ भाई आपके पास। ये वाले का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। अभी क्या कॉस्टिंग है भाई इसकी? इसकी कॉस्टिंग है फिटिंग वुटिंग करके 27,500 का। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरे को इसका बेस कम रखना पड़ता है, इतनी तेज बेस है इसका, क्वालिटी वाइज बेस है इसका, बड़ा हुआ साउंड आता है। हाँ भाई बहुत तगड़ी चीज है ना। और इसके साथ मोनो एम कंपनी फ्री देती है, सेम कंपनी का मोनो एम फ्री आता है इसमें। हाँ वो मतलब इसके अंदर ये जो प्राइस है उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है, 27,500 रुपए की इसकी कॉस्टिंग है। आओ भाई अब मेन बारी आ गई है इंटीरियर की, क्योंकि इंटीरियर में भी निको भाई मेन वहीं पे भी अपना पूरा एफर्ट्स लगा देते हैं। आओ भाई साहब खोलिए इसको, 360 डिग्री कैमरा है भाई, इधर भी है कैमरा, उधर भी, पीछे भी और आगे भी लगा है, ये आजकल का भी ट्रेंड में चल रहा है। और भाई देखो इस तरीके से पल्लर सब बिछा लेते हैं, 360 डिग्री कैमरा की कोलैबोरेशन सी होती है ना, तो इस तरीके से होता है वो, मतलब आगे भी बिछा लिया पीछे भी, जिससे वो परफेक्ट आए, जैसे वो स्टीरियो वगैरह में ओवरऑल पूरा परफेक्ट। एम्बिएंट लाइटिंग वाला काम, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट लग गई है, क्रेटा की स्कफ प्लेट लग गई है, सॉफ्ट टच हो गया है, यहाँ पे सॉफ्ट टच कर दिया। अच्छा ओके, इनर हैंडल चेंज है, बेस मॉडल में ब्लैक आता है। अरे ये उसी पेयर का हो गया है ना, ग्रे ग्रे से ही हो गया, जिस कलर का सीट कवर का होता है ना उसी कलर का हो गया है, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट टच होगा, इनर हैंडल भी चेंज है, मिरर फोल्डिंग 1 टच है। ओके, सेम डोर पैनल के अंदर फिनिशिंग देखो, कटिंग का सेम डोर, कोई डोर पैनल चेंज नहीं है। अच्छा उसी में कटिंग कर दिया। अच्छा इसकी क्या कॉस्टिंग चल रही है आज के फिलहाल की डेट में भाई, इसकी मिरर फोल्डिंग के? मिरर फोल्डिंग के कॉपर वायर के साथ करवाते हो तो 10,200 लेस करके, अगर ऐसे करवाते हो 9,000 रुपए का। और ये जो ये होते हैं ये नए होते हैं बिल्कुल, डब्बा पैक हुंडई का ओरिजिनल। तो यार एक व्हाइट और ब्लैक अलग अलग तरीके से कलर आते होंगे आपको करवाने पड़ते हैं कंपनी से, चाहे कोई भी गाड़ी कलर की गाड़ी हो। हाँ। कंपनी से मिरर आता है व्हाइट कलर का कच्चा पेंट। ओके, जैसे हमारे पास व्हाइट आया तो व्हाइट वो लग जाता है, ब्लैक आया तो ब्लैक हमें पेंट करवाना पड़ता है, ग्रे आया तो पेंट करवाना पड़ेगा, जो भी कलर है हुंडई का गाड़ी का वो हाथों हाथ पेंट करवाना पड़ता है। भाई इसका इंटीरियर तो बहुत तगड़ा जबरदस्त बना दिया भाई आपने, टॉप मॉडल वाली बिल्कुल, वही तो डिजाइन वगैरह से लेके फिटिंग मतलब फिनिशिंग वगैरह कहना पड़ेगा भाई साहब, एक नंबर जेन्युइन लग रहा है भाई, इससे तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। निको क्या कुछ पोस्टिंग मानू मैं इनकी भाई, सेम क्वालिटी काम करवाना हो भाई, देखना क्रेटा वाले कितने अच्छे हैं, मतलब हुंडई वाले यार बीच में आर्मरेस्ट देते हैं, आर्मरेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी निकाली है भाई, वरना आर्मरेस्ट में लोग मार खा जाते हैं। तो 40-60 सीट नहीं आता था, आर्मरेस्ट भी नहीं आता था, ठीक है, लेकिन इस बार मॉडल में देना आर्मरेस्ट भी दे दिया, 40-60 सीट भी दे दिया। वाह यार ये बहुत बहुत प्यारी लग रही है रियलिटी में, क्या कुछ कॉस्टिंग मानो भाई सीट कवर्स की? सीट कवर के देखो सबसे बड़ी चीज है क्वालिटी, अगर सेम कपड़ा सेम क्वालिटी लेते हो तो 12,500 का सीट कवर होता है, अगर आपने सेम कब क्वालिटी नहीं ले रहे हो डिजाइन सेम करवा रहे हो तो 6,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। अच्छा मतलब अपने अपने जैसे आपका जो बजट हुआ जिस चॉइस हो उसके ऊपर। ये वाले काफी गुड लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं वेंटिलेटेड सीट हो सारी की सारी, यहाँ पे छत वगैरह हो गई पूरी, ये तो नॉर्मल ही रखी है। ये पूरा फ्रेम भी आ चुका है यहाँ पे, ये आप देखिए इस तरीके से,
अच्छा इतना बड़ा है क्या ये? कितने इंच का है ये? साढ़े बारह इंच का होता है। साढ़े बारह इंच का इसमें जैसे टॉप मॉडल में देखोगे ना मीटर के साथ मिलके आता था। पहले हम क्या थे, बाहर लगा बाहर आता था हाँ। नहीं तो हाइट ऊपर आ जाता था। बिल्कुल ठीक है, आप देखोगे कहीं से हाइट ऊपर नहीं है, प्रॉपर फिटिंग, बिल्कुल फिटिंग, ऐसे कोई बाहर नहीं है, कंपनी वाला ही हो बिल्कुल। हाँ यार ये बहुत ही रियल में अच्छा लग रहा है। पहले मेरे ख्याल से ये भी ढक जाता था क्योंकि वो बाहर निकलता था, इसमें ये प्रॉपर ये भी निखर के आ रहा है। और यहाँ पे कारप्ले वगैरह चलेगा तो पूरी स्क्रीन पे होता है, कारप्ले होता है, 360 सपोर्टेड होता है। तो कौन सी कंपनी का है भाई ये? इसलिए अपने पास बहुत सारे ब्रांड है, हाइपरसोनिक है, जीवा है, मेगासोनिक है, बहुत सारे ब्रांड है अपने पास। जॉब लेवल 6-7 ब्रांड है, जैसे आपको 15,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, 28-30,000 तक आपको चला जाएगा ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज है इस बार देखोगे तो सेम जो नए वाले मॉडल में क्रूज और स्टीयरिंग पियानो में आता है, नहीं है नए वाले मॉडल का है, पियानो ब्लैक में डाला है। हाँ पियानो ब्लैक में डाला है। इसकी जो कॉस्ट, इसकी जो एमआरपी आती है ना तो 2800 के समथिंग है। और पुराने वाला का स्टीयरिंग क्रूज बहुत, मेरे पास बहुत सारे पीस है अगर जिनको लगाने, मात्र 1500 रुपए का। क्या क्रूज स्टीयरिंग और क्रूज दोनों चीज 1500 रुपए में? 1500 चालू करके दोगे? चालू करके दूंगा भाई। किस बात का वेट कर रहे हो भाई, फटाफट आ गया भाई पे, करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और क्या करा इसके अंदर भाई? ये स्पीकर वगैरह कौन से डाले हैं? स्पीकर इसमें डाला है, एक तो पहले DDRDO का डोर डैम्पिंग हुआ है हाँ। इसके इसमें डाला है सोनी JBL का स्टेडियम सीरीज का चारों कंपोनेंट, सोनी GS4 का एम्पलीफायर, जो मेरे में था सोनी GS4 का, बिल्कुल सेम वो मैं एक नंबर है भाई रियलिटी में। भाई साहब मजा आया स्पीकर वगैरह में? फुल मौज है, तगड़ा बेस बेस तगड़ा आ रहा होगा ना इससे, भाई देख लो भाई, कस्टमर का देख लीजिए आप, अपने आप सुन सकते हो भाई आप। ये भाई भाइयों को मैंने सुना रखा है, ये वही सेटअप करवा रखा है मैंने भी अपना वाला, ये आपकी वीडियो में देख लिया था उधर। अच्छा वीडियो देख दी हमने भैया की, तो उधर देख के हम गए थे दिल्ली फिर सीधा, तो फिर इन्होंने बताया था, इन्होंने आपका नाम बताया था, काम सही कर दिया फिर इन्होंने, फिर उन्होंने भैया बोला डिस्काउंट भी दे देंगे भैया, अगर उससे आए तो अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। हाँ भाई डिस्काउंट अभी दोगे या दे दिया है? अभी कुछ नहीं हिसाब हुआ, मैं तो चलते चलते 3.5 घंटे में तो आपसे मिला हूँ। उसके अलावा अपना सनग्लास ओरिजिनल है, मात्र 4100 रुपए का। 4100 रुपए का ये लग के? और सनरूफ वाला भी तो आता है, वो थोड़ा महंगा होगा? नहीं सेम रेट में 4100 रुपए में सनरूफ वाला लगवाना तो वो लगवा लो, क्योंकि बेस मॉडल में सनरूफ नहीं तो बटन अजीब सा लगता है, ज्यादातर कस्टमर का डिमांड यही होता है कि यही नॉर्मल वाला लगा दो। अच्छा और भाई संगला वो लगा ही दो यार, इसमें भी सनरूफ वगैरह बच गया, रीडिंग लैंप कस्टमर को बोला था नहीं लगवाएं, बाकी यही सारा काम था। तो इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग क्या मान के चले भाई? देखो काम होता है क्वालिटी के ऊपर होता है। आप जैसे सोनी ES सीरीज का स्पीकर ले लो तो स्पीकर ही कॉस्टली 30-32 हजार रुपए का जाता है। JBL तो अब साउंड के ऊपर होता है कि आपको क्या खर्च करना है, 1.5 लाख में भी गाड़ी बनता है, 1 लाख में बनता है, 2.5 लाख में बनता है, जैसा क्वालिटी आपको चाहिए खोजोगे ऐसे मिलेगा, वो सब मिल जाएगा उनके पास। तो ढेरों चॉइस होते हैं भाई, स्पीकर्स की ले लो या किसी की भी ले लो। तो ये स्पीकर अगर JBL स्पीकर बना दिया तो 2000 से स्टार्टिंग कर देती है, तो ये स्पीकर 15,000 तक पेयर जाता है। तो कस्टमर का नीड अपने ऊपर होता है कि हमें किस लेवल का काम चाहिए, किस लेवल का खर्चा। तो निको सबसे मेन चीज जैसे मान लो ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सोवर बहुत परफेक्ट काम हो इस गाड़ी के अंदर, जो जो जरूरी है मतलब ये शीशे फीसे सब चीज हो गई है, स्टीरियो स्पीकर वगैरह, तो कितना टाइम कितना लगता है मेन इस सब काम में? अलॉय वालॉय जो सारा जो कम से कम ना करते करते अगर पूरा ऐसा काम हो 7 घंटा चाहिए। 7 घंटा मतलब एक दिन पकड़ के चलो, सुबह आओगे तो शाम को फ्री भाई के। सुबह मेरे पास लमसम कस्टमर से पूछ लो 11:30-11:30 भाई आए थे और 3:30 बजे तक काम खत्म था। और अब अच्छा जी 3:30 बजे खत्म? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, ऐसा ही है भाई साहब। मतलब टाइम को लेके बताओ, टाइम सही इन्होंने लिया काम करने में? बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया। कोई दिक्कत शिकायत हो तो भाई के मुंह पे बोल दो, ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ वही तो बता देना, जो भी है इनके मुंह पे बता देना भाई, और कैमरे पे भी जनता भी देखो। अच्छा जी हाँ जी, जैसे आप जिनके पास 2020 मॉडल क्रेटा है 2020 से 2023 तक, और जिनके पास 2024 मॉडल भी क्रेटा लिए है वो इन लाइन में कन्वर्ट करवा सकते हैं प्रॉपर पूरा क्रेटा। पुरानी वाली भी हो जाएगी? पुरानी वाली भी इन लाइन बन जाएगा, जिनके पास नई वाली गाड़ी वो भी इन लाइन बन जाएगा। टाइम देना पड़ेगा कम से कम 1 हफ्ता की बुकिंग करा के आना पड़ेगा, या ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट करवाओ, जैसे न्यू बनवा सकते हो या उसको इन लाइन में बनवाओ। अच्छा दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों का किट अवेलेबल है, लेकिन 1 हफ्ता का टाइम नहीं, 1 हफ्ता गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा और बुकिंग के हिसाब से गाड़ी बुक। कोई बात नहीं भाई, करवा लेंगे भाई, निक्कू भाई से जरूर कांटेक्ट करें। ओके निक्कू भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी गाड़ी बनाने के लिए, बहुत अच्छा लगा भाइयों से मिलके, इनकी गाड़ी देख के 14-16 इन्होंने यहाँ पे खर्च करे और 2-2.5 के लगभग मिला के अभी जिंदगी भर फ्री है भाई। कंपनी में अगर ज्यादा टॉप मॉडल ये वाला बनवाने इतना सब हाई क्वालिटी का कम से कम 24-25 लाख देने पड़ते हैं, यहाँ बढ़िया में काम हो जाता है। यही ब्यूटी है भाई करोल बाग से, जब काम करवा लेते हो तो सस्ते में मैटर निपट जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।